आर्यन खान रक्स मामले में बीते कल एनसीबी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे को बुलाया था। कल करीब 2 घंटे तक अनन्या से पूछताछ की गई थी और जिसके बाद उसे आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके लिए अनन्या एनसीबी दफ्तर के लिए अपने घर से निकली और मिली जानकारी के अनुसार 21 अक्टूबर के पूछताछ में एनसीबी को कई अहम सबूत मिले हैं, जिसमें ड्रग्स केस में सबसे बड़ा लिंक आर्यन की अनन्या संग चैट है। अनन्या को सुबह 11 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचना था। अनन्या पांडे से जुड़ी 3 चैट सबसे ज्यादा अहम है। 2018 से 2019 के बीच ये चैट गांजा को लेकर के हुई है और अनन्या के दोनों फोन एनसीबी ने सीज कर लिए हैं। एनसीबी ने जब अनन्या से सवाल पूछना शुरू किया तो वो काफ़ी कंफ्यूज नजर आईं और उन्होंने कई सवालों को ये कहकर टाल दिया कि उन्हें ठीक से याद नहीं है। एनसीबी के सीनियर ऑफिसर के मुताबिक अनन्या की एक चैट में वो आर्यन से कहती हैं कि उन्होंने गांजा पहले ट्राई किया है और वो फिर से इसे ट्राई करना चाहती हैं। तो आर्यन खान ड्रग्स मामले में बीते कल एनसीबी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे को बुलाया था। कल करीब 2 घंटे तक अनन्या से पूछताछ की गई थी और जिसके बाद आज फिर से पूछताछ के लिए अनन्या को बुलाया गया था और जिसके लिए अनन्या एनसीबी दफ्तर के लिए अपने घर से निकली भी और मिली जानकारी के अनुसार 21 अक्टूबर की पूछताछ में एनसीबी को कई अहम सबूत मिले हैं, जिसमें ड्रग्स केस में सबसे बड़ा लिंक आर्यन की अनन्या संग चैट है। अनन्या को सुबह 11 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचना था। अनन्या पांडे से जुड़ी 3 चैट सबसे ज़्यादा अहम है और 2018 से 2019 के बीच ये चैट्स गांजा को लेकर हैं। अनन्या के दोनों फ़ोन एनसीबी ने सीज कर लिए हैं। एनसीबी ने जब अनन्या से सवाल पूछना शुरू किया तो वो काफ़ी कंफ्यूज नजर आई और उन्होंने कई सवालों को ये कहकर टाल दिया कि उन्हें ठीक से याद नहीं है। एनसीबी के सीनियर ऑफिसर के मुताबिक अनन्या की एक चैट में वो आर्यन से कहती नजर आ रही हैं कि उन्होंने गांजा पहले भी ट्राई किया है, वो फिर से ट्राई करना चाहती हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सत्यप्रकाश सोनी, मुंबई से संवाददाता है। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अनन्या पांडे को लेकर के और अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए ड्रग्स मामले में लगातार जिस तरह से एनसीबी एक के बाद एक बड़ा खुलासा कर रही है, ऐसे में एक बार फिर से नया नाम सामने आया जिसमें नाम जुड़ गया अनन्या पांडे का, जिसको कल 2.25 घंटे की पूछताछ की गई थी। इसके बाद आज से फिर से दोबारा बुलाया गया था, जिसमें अनन्या पांडे जो है एनसीबी दफ्तर पहुंची थी, उनसे पूछताछ लगातार जारी। तो जैसे तौर पर तमाम जानकारियां जो है एनसीबी को मिल रही है और लगातार इसमें खुलासा भी हो रहा है। हालांकि जिस तरह से ड्रग्स चैट का मामला सामने आया था उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अनन्या और आर्यन के बीच अगर जिक्र किया जाए तो सोशल मीडिया पर तमाम सारी अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि आर्यन खान को लेकर के, क्योंकि आर्यन के बाद आर्यन के खान नाम में खान लगा हुआ है और उसमें तमाम सारा हल्ला हुआ था, शोर मचाया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से अनन्या पांडे का नाम सामने आया है, अनन्या पांडे से एनसीबी पूछताछ कर रही है, लेकिन अनन्या पांडे को लेकर के उतना शोरगुल नहीं हो रहा है, इसमें भी तमाम सारी अब राजनीतिक उठापटक जारी हो गई है और राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जी देखिए, कल ही एनसीबी ने यह क्लियर स्पष्ट कर दिया था कि जिसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह आरोपी है। जाहिर तौर पर अनन्या पांडे का नाम आर्यन खान की मोबाइल चैट से मिला था, जिस दौरान खासकर अनन्या पांडे ने खुद एक फोटो जो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसमें पार्टी की फोटो थी, जिसमें अनन्या पांडे, आर्यन खान और उनकी बहन सुहाना भी मौजूद थे। जाहिर तौर पर आर्यन खान, सुहाना और अनन्या पांडे दोनों की पारिवारिक दोस्ती है, इस लिहाज से यह फोटो शेयर की गई थी। लेकिन जिस तरह से ड्रग्स का एंगल आया था उसमें अनन्या पांडे और आर्यन खान द्वारा ड्रग्स चैट की बात सामने आई थी। तो जाहिर तौर पर एनसीबी यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि अनन्या पांडे और आर्यन खान के बीच जो ड्रग्स चैट हुई है वो किसको लेकर हुई है और कब का यह चैट है। क्या अनन्या पांडे ने कभी ड्रग्स लेते हुए आर्यन खान को देखा है? अगर देखा है तो कब देखा है? तो यह भी जानकारी निकालने की कोशिश एनसीबी कर रही है।
अगर इस नाम में इस बात से यह खुलासा हो जाता है कि आजम खान अनन्या पांडे के सामने कभी भी किसी भी पार्टी में ड्रग्स लिए हैं, उसका खुलासा अगर होता है तो जाहिर तौर पर मुश्किलें न सिर्फ आजम खान की बढ़ेगी बल्कि अनन्या पांडे की भी बढ़ सकती है, क्योंकि उस पार्टी में यानी कि ड्रग्स वाली पार्टी में अनन्या पांडे खुद मौजूद रही है। तो जाहिर तौर पर तमाम एंगल एनसीपी के पास है जो पूरे सवालों का खाका लेकर एनसीपी बैठी हुई है। आज यह माना जा रहा, हालांकि उनको 11 बजे ही बुलाया गया था, लेकिन 2:15 तो वह एनसीपी दफ्तर पहुंची है, जाहिर से 2-3 घंटे वह लेट पहुंची है। तो आज जो पूछताछ होगी काफी लंबी पूछताछ होगी, काफी जानकारियां उनसे ली जा सकती है। जी सत्यप्रकाश, आपने जिक्र किया कि शाहरुख खान से काफ़ी नज़दीकियां हैं, अनन्या पांडे के पारिवारिक संबंध हैं, और हालांकि आपने बिल्कुल ठीक बात कही, दरअसल एक इंटरव्यू में अनन्या पांडे ने खुद कहा था कि शाहरुख खान उनके दूसरे पिता के रूप में हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आर्यन खान ड्रग्स मामले में